इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और ऋतु पर्वत पर शनिवार शाम को 51,000 लोगों ने हनुमान जी की विशाल मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का 2.5 लाख से अधिक पाठ किया और इस आयोजन का सीधा प्रसारण 182 देशों में किया गया। बता दें कि इस आयोजन में श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए और दरअसल देश भर में सबसे साफ स्वच्छ शहर के लिए जाने जाने वाला इंदौर शहर हमेशा नवाचार करने में अग्रणी रहता है। और इसी बीच ही खबर सामने आई है, बता दें कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंदौर शहर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर देने वाले कार्यक्रम अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के लिए प्रीत पर्वत पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति के सामने विशाल हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कई महामंडलेश्वर और संत शामिल हुए। बता दी कि इस हनुमान चालीसा की पाठ की शुरुआत देश के प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडेकर ने की, जिनका साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। बता दें आपको कि यह कार्यक्रम शाम को किया गया और जिसे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में 51,000 लोगों ने एक साथ श्री हनुमान चालीसा का 2.5 लाख पाठ किया और जिसका सीधा प्रसारण उन सभी 182 देशों में किया गया जहां आर्ट ऑफ लिविंग सेवारत है। और इस आयोजन को कैलाश विजयवर्गीय खुद जुटे हुए थे और इस विशाल आयोजन के लिए पृथु पर्वत पर 10 जोन बनाए गए थे।